गंगा है ये शान तिरंगा है मेरी जान तिरंगा है मेरी जान तिरंगा है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो हम लगातार अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं और लगातार पहुंचाएंगे जब तक कि झंडा लहरा नहीं दिया जाता। और कैसे ये तैयारियां चल रही है, आखिर इसकी परिकल्पना क्या थी, ये भी बताएंगे। लेकिन फिलहाल हम आपको जायजा दिखाते हैं कैसे इंजीनियर काम कर रहे हैं, कैसे उनकी मेहनत जो है धीरे धीरे वहां पर रंग ला रहा है। हमारे सहयोगी राजेश कृष्ण ने इसका जायजा लिया है और हम अपने सहयोगी से कहेंगे, हम उस स्थान पर पहुंच चुके हैं जहाँ ये पेडेस्टल बनकर के तैयार है। जो पेडेस्टल जो है, इस पेडेस्टल के ऊपर जो मास्ट लगेंगे, इसी मास्ट के ऊपर ये लगभग 81 मीटर का जो मास्ट होगा, इस पर वर्ल्ड का सबसे ऊंचे स्थान से और सबसे बड़ा तिरंगा लहराने के लिए ये कार्य जो आप देख रहे हैं, ये कार्य चल रहा है। इस पर देख सकते हैं कि यहाँ तमाम विपरीत परिस्थिति है और ये जगह जो है काफी संकीर्ण और काफी हाइट पर है, लगभग नीचे से 275 मीटर की ऊंचाई पर है और यहाँ से 81 मीटर और ऊंचा जो है वो ये पोस्ट बनाया जाना है। आप देख सकते हैं कि इस पर पहला मास्ट जो है 11 मीटर का जो मास्ट है वो लगाने का कार्य लगभग उस पर प्लेस कर दिया गया है, उसकी बोल्टिंग की जा रही है, उस पर बोल्ट कसे जाएंगे। तो जिस तरह से आप देखते हैं कि यहाँ पर तमाम किस तरह से बहुत रिस्क के साथ काम करना पड़ रहा है मजदूरों को, कलकत्ता से जो कंपनी आई है उसके मजदूर जो है वो दिन रात मेहनत करके इस कार्य को जल्द से जल्द अंजाम देने की कोशिश में लगे हुए हैं। यहाँ पर जो हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट और इंजीनियर्स जो हैं इस कंपनी के, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से यहाँ पे जो कार्य चल रहा है उसके विषय में कुछ टेक्निकल डिटेल लेने की कोशिश करेंगे। इंजीनियर साहब, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम अरमान हुआ। अरमान साहब जरा खड़े हो जाएंगे तो इस तरफ आएंगे तो हमें, हमारे दर्शकों के लिए सहूलियत भी होगी कि आप बता सकेंगे कि किस तरह से ये जो पोस्ट है इसके विषय में हम कुछ जानकारी दर्शकों को देना चाहेंगे क्योंकि ये टेक्निकल वर्ड्स है। अच्छा, सबसे पहले ये बताएं कि यहाँ पर ये जो जमीन है ये ग्राउंड से काफी ऊंचाई पर है और इस नाते यहाँ पे रिस्क काफी होता है कि जो भूस्खलन की संभावना भी रहती है, लैंडस्लाइडिंग की प्रॉब्लम भी रहती है और ऊपर से इस जगह से आप सबसे ऊंचा झंडा लगाने के लिए जो मास्ट लगाने का काम कर रहे हैं, तो क्या क्या एहतियात यहाँ पे आपने अभी तक इस पे वर्ता है, किस किस तरह के सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए गए हैं ताकि ये सेफ रहे? देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी आप देख रहे होंगे कि पेडिस्टल बन चुका है और नीचे कॉन्क्रीट बेस का कॉन्क्रीट हो चुका है। कॉन्क्रीट में आप ये देख रहे होंगे कि ये एंकरिंग किया गया है, जो टोटली नीचे से ग्राउंडिंग किया गया है, जो इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। और जो आप बता रहे हैं भूस्खलन, वो भूस्खलन कभी नहीं होगा, इसलिए कि एंकरिंग ऑलरेडी कर दी गई है, इसलिए इसमें कोई चांसेस नहीं है कि ये कभी भी टिल्ट या शिफ्ट होने का कोई चांसेस भी नहीं है इसमें। दूसरी चीज़ है कि सेफ्टी ऑलरेडी आप सारे वर्कर को देख रहे हैं कि मैं टोटली सेफ्टी बरत रहा हूँ और हमारा काम ही है कि पहले सेफ्टी इज़ फर्स्ट। बात तो काम तो होना ही है एनी हाउ, बट सेफ्टी हमें देखना ही है हमारा काम है। ये जो पहला पेडेस्टल जो बनाया गया है, इस पेडेस्टल को कितनी गहराई तक इसमें दिया गया है ताकि क्या ये मतलब इंजीनियरिंग के हिसाब से आप इसे सेफ किस तरह से मानते हैं? मैं सहमत हूँ, पूरी तरह से सहमत हूँ कि इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये टोटली सेफ है और इसकी नीचे की जो ग्राउंड कास्टिंग हुई है उसकी और ये जो आप एंकरिंग देख रहे हैं ये टोटली इस लेवल से 25 मीटर नीचे तक ये एंकरिंग की गई है। जहाँ पे टेक्निकली वर्ड में आपको मैं बताऊँ कि ये हमारा इससे बोलेंगे टेक्निकली वर्ड से आपको बताऊँ कि ये ऑलरेडी जहाँ पे इसकी हार्ड सरफेस मिलती है वहाँ से इसको एंकरिंग किया गया है, इसलिए इसमें कोई चांसेस नहीं है कि हाँ ये कभी भी भविष्य में कभी प्रॉब्लम आएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम आने का कोई चांसेस नहीं है। अच्छा, इस पहाड़ी पर ये प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले मौसम विभाग की भी राय ली गई थी, वहाँ जो एक्सपर्ट है, वैज्ञानिक है, उनसे भी राय ली गई है, इस पहाड़ का जो पहाड़ी है इसके नेचर के बारे में भी रिसर्च किया गया है। तो क्या ये इस पहाड़ी का जो नेचर है, जो सॉयल जो देख सकते हैं कि जिस तरह से इसकी मिट्टी भुरभुरी है, तो क्या इसमें स्लाइडिंग का खतरा नहीं है, किस तरह से आप देखते हैं? मैंने आपको पहले ही बताया कि ऑलरेडी स्लाइडिंग का तो खतरा है ही है, लेकिन एंकरिंग इसी रीजन से इसकी एंकरिंग की गई है
ये जो हार्ड सरफेस मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ कि हार्ड सरफेस जो दी गई है इसी वजह से इसको हार्ड सरफेस 25 मीटर नीचे दी गई है, जिसमें आपका ये भूस जहाँ पे हार्ड सरफेस से हार्ड रॉक होता है वहाँ पे आपका जाकर करके ये एंकरिंग वहाँ से उस पॉइंट से एंकरिंग इसको की जा रही है। इसलिए ये आप देख रहे हैं मिट्टी जो आप देख रहे हैं भुरभुरी मिट्टी दिख रहे हैं, ये हमारा यहाँ से 10 मीटर है, 10 मीटर के बाद आपको हार्ड सरफेस मिल रहा है, इसलिए 25 मीटर दिया गया है कि इसमें ये टेंडेंसी ना हो कि कभी भी स्लिप करने का कोई चांसेस हो। मतलब आप पूरी तरह से इस मामले पे सेफ है, सहमत हूँ। और दूसरी चीज ये है कि ऑलरेडी इसके कंसल्टेंट है मेकॉन, तो इन सब चीजों को वो ऑलरेडी कंफर्म होने के बाद ही यहाँ पे प्रोजेक्ट को किया जा रहा है जी। इसके जो कंसल्टेंट है इंजीनियरिंग का कंसल्टेंट जो है वो मेकॉन है, और इसलिए यहाँ पे पूरी सावधानी के साथ, काफी हाइट है, काफी ऊंचाई है, और वर्ल्ड का सबसे महत्वाकांक्षी और सबसे जो है बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर झंडा को लेकर के, राष्ट्रीय तिरंगे को लेकर के किया जा रहा है, इसलिए किसी तरह की कोताही नहीं बरती जा रही है। हम इंजीनियर अरमान से ये भी जानने की कोशिश करेंगे, पहला मास्ट जो लगाया गया है ये पहले मास्ट की हाइट कितनी है और इसके ऊपर किस तरह से कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा। देखिए पेडिस्टल आप देख रहे होंगे, कंक्रीट की पेडिस्टल, इसकी हाइट 5.5 मीटर है जी। दूसरी इसकी फर्स्ट मास्ट आप देख रहे होंगे, इसका वेट है 7.8 मैट्रिक टन जी। इसकी हाइट टोटल हो जा रही है 11 मीटर, इसके ऊपर फिर अगेन 11 मीटर आएगा, जो इसके ऊपर जैकिंग होगा, जैकिंग होकर के वो टोटल हाइट आप देखेंगे तो 20 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और फिर आप सेम प्रोसेस इसके ऊपर है, इस मास्ट की टोटल हाइट 81 मीटर जानी है, और 8 पीसेज में ये मास्ट है जो एक के बाद एक इरेक्शन करना है, और ये आप देख रहे होंगे टोटल लोहे का स्ट्रक्चर, इसके थ्रू हमें उठाना है, उठा करके इसको मुझे स्लिप करवा करके इसके ऊपर इरेक्शन करना है। ये लोहे का स्ट्रक्चर जो है ये इसकी भी हाइट इस मास्ट के साथ साथ बढ़ती जाएगी। हाँ जी, आप देख रहे होंगे कि ऑलरेडी जो मास्ट है इससे आप काफी मैं ऊपर जा चुका हूँ, और रेगुलर ये ऊपर हाइट जैसे जाऊंगा फिर इरेक्शन होगा, फिर हाइट बढ़ेगी फिर इरेक्शन होगा, यही प्रोसेस से पूरा मास्ट स्ट्रक्चर जो आप देख रहे होंगे, गैंट्री की हाइट टोटल 83 मीटर जाना है और मास्ट की हाइट टोटल 81 मीटर जाना है। तो इसमें अभी क्या आपको लगता है कि एक मास्ट को लगाने में कितना समय लग रहा है, और इस तरह से अभी कितना समय इसमें जा सकता है, कितना समय लगेगा बनाने? जो प्रधानमंत्री का प्रोग्राम है 27 दिसंबर, उससे पहले हम लोग कम्प्लीट कर लेंगे एनी हो, और टाइम तो आप देख रहे हैं कि रिस्क का काम है तो थोड़ा तो टाइम फैक्टर करता ही, बट एनी हो हमारे वर्कर्स हैं, डे नाइट यहाँ पे काम चल रहा है, इसलिए हम लोग टाइम बिफोर हम लोग कम्प्लीट शो कर लेंगे जी। तो प्रधानमंत्री का को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है कि प्रधानमंत्री भारत के नरेंद्र मोदी जो हैं वो इस झंडे का यहाँ पर उद्घाटन करेंगे इस मास्ट के बनने के बाद, और इसके लिए कार्य जो है वो काफी तेजी से चल रहा है। हालांकि यहाँ पे जो ग्राउंड पोजीशन है वो काफी डिफिकल्ट है, काम करने में काफी कठिनाई है, लेकिन जो है वर्कर्स और मजदूर जो है वो दिन रात मेहनत करके इस कार्य को निर्धारित समय पर करने के लिए आतुर हैं और इस कार्य में लगे हुए हैं। हम यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे कि इस प्रोजेक्ट से जुड़कर उन्हें कैसा लग रहा है, इस कार्य को करने में उन्हें किस तरह का अनुभव हो रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ, और लोगों से भी हम राय लेते हैं। तो चलिए, आपने देखा कि इस चुनौती के साथ जो मजदूर हैं, जो अभियंता हैं, मौके पर मौजूद हैं, काम कर रहे हैं और पूरे शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं कि देश के आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा कैसे यहां पर लहराया जाए। लेकिन अब आपको कुछ रोचक बात बताते हैं झंडे से जुड़ी हुई, पहाड़ी मंदिर से जुड़ी हुई, कि इसका इतिहास क्या कुछ है और क्या कुछ वर्तमान भी रहा है। ग्राफिक्स के जरिए तिरंगे झंडे की अनुमानित लागत होगी लगभग 44 लाख रुपए। महाराष्ट्र के पुणे शहर से मंगवाया जा रहा है यह तिरंगा। तिरंगे की लंबाई लगभग 99 फीट और चौड़ाई होगी 66 फीट। पहाड़ी पर बने मंदिरों में नागराज का मंदिर सबसे प्राचीनतम माना जाता है। नागपुर के नागवंशियों का यहीं से शुरू हुआ है इतिहास। तो मंदिर आजादी की लड़ाई में बलिदान देने वाले महान सपूतों की याद भी दिलाती है। मंदिर समुद्र तल से 140 फीट और जमीन से 350 फीट की ऊंचाई पर है। निर्माण समिति ने नवीन जिंदल की संस्था फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया LNG और बजाज से सहयोग मांगा है। रांची के स्वतंत्रता सेनानी कृष्ण चंद्र दास ने पहली बार यहां तिरंगा फहराया।
तो पहाड़ी मंदिर पर तिरंगे को धर्म ध्वज से ज्यादा दिया जाता है सम्मान। तो फिलहाल फिर से समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी लौटेंगे। तिरंगा है ये शान।